देश की नजरें अब एक बार फिर से चंद्रयान 3 पर जाकर टिक गई हैं। चांद पर सूर्य की रोशनी होने के बाद आज लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा संभव हुआ तो इसरो एक नया इतिहास रच देगा। चांद पर 14 दिन की रात खत्म होने के बाद अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के फिर से एक्टिव होने का इंतजार है। एक चंद्र दिवस पूरा होने पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर स्लीप मोड में चले गए थे। हालांकि उससे पहले दोनों की तरफ से कई अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत कई तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि कर चुका है। चांद पर 14 दिनों तक सूरज की रोशनी बनी रहती है और 14 दिन रात रहती है। 23 अगस्त को रोशनी का नया साइकिल शुरू होने पर लैंडर विक्रम के साथ रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद वहां से कई अहम जानकारियां हासिल हुई। 2 सितंबर को इसरो ने प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर को लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया था। अब एक बार फिर चांद के शव शक्ति प्वाइंट पर सुबह हो चुकी है। लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये काम करना शुरू कर सकते हैं। लिहाजा स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर को इसरो की ओर से सक्रिय किया जाएगा। अगर दोनों सक्रिय हो गए तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। हमें इंतजार है इस बात का कि क्या विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से जाग जाएंगे और इस वक्त सारा प्रयास उस ओर है। तो अब हम सारे टीम इसरो के सारे साथी और हम सब इस मिशन से जुड़े हुए एक एक क्षण घड़ी देख करके इस प्रतीक्षा में है कि जैसे सूर्योदय हो और सर्किट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़े वहां पर बढ़ना शुरू हो वो एक्टिवेट हो और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वेकअप कॉल जाएगी। विक्रम आंखें मलते मलते जाग उठेगा और प्रज्ञान भी उठ खड़ा होगा 14 दिन की नींद के बाद और फिर वो अद्भुत बात होगी जो आज तक कभी ना हुई। लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर्याप्त ऊर्जा जमा कर पाए तो शायद फिर से सक्रिय हो जाएं। लैंडर और रोवर को 14 दिन के ऑपरेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया था, उस हिसाब से उनका मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन अब अगर दोनों एक्टिव होते हैं तो और ज्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। अभी तक चंद्रयान 15 दिन पे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। हमने जो जो मेटल सोचे थे उधर रहता है, निकेल, कैल्शियम, आयरन, हम वो सभी मेटल का हम पता कर सके जो उसका प्रेजेंस सब प्रमाण कर सके। हमने ये भी प्रमाण किया जो उधर ऑक्सीजन है दोबारा उसको पुनर्जन्म होगी। तो ये जब आ जाएगी तो हमको तब ज्यादा ऑब्जर्वेशन का टाइम मिलेगा और हम शायद हाइड्रोजन का प्रेजेंस भी डिटेक्ट कर सकेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति प्वाइंट पर 20 सितंबर को सुबह हो चुकी है। तब से वहां रोशनी है और अब इंतजार हो रहा है तो बस लैंडर और विक्रम के फिर से एक्टिव होने का, जिसके लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।